लोगों को कहेगा टुक 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 खाएं, वो देखें तीसरे को बुला लिया ठरकी। शर्म करो शर्म, और जगह नहीं मिलती आप लोगों को, भूख वगैरह लगे आ जाना बैर, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। यार मेरा आप लोगों से शिकवा है, मेरा व्लॉग क्यों नहीं देखते आप लोग, मसला क्या है, आखिर मेरा कसूर क्या है, इस वजह से मेहनत कर रहा हूँ। 5 minutes later ये व्यूअर कितने खूबसूरत खूबसूरत देसी चूज़े हैं, चूज़ियाँ भी हैं यहाँ पे। इन लोगों की मम्मा खड़ी है ब्लैक रानी, ये देख मैं बात करूँ कैसे ये मुझे देखने लग गए। इनमें से अक्सर सारे वाइट हैं और इनमें से जो चूज़ियाँ हैं ना जो फीमेल हैं उनकी ब्राउन ब्राउन शेप है, बाकी सारे नर हैं। अच्छा बशिया, अस्सलाम वालेकुम, ठीक हो तो भैया? ठीक है। दो मुर्गियों को साथ लेकर उनको टुक 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 कर रहा है, चरा रहा है, खुद भूखा रहेगा कुछ नहीं खाएगा, उन दोनों मुर्गियों को कहेगा टुक 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 खाएं, वो देखें तीसरे को बुला लिया ठरकी। मैं छुप छुप के जाता हूँ, देखता हूँ क्या कह रहा है उन्हें, तीन है, वो देखें खुद नहीं खाएगा, कुरकुर कुरकुर कुर लगाई हुई है। ओह हैं, शर्म नहीं आती? आए बच्चे कहाँ हैं आपके, बुलाओ हाँ ज़रा। एक बच्चा आ गया, अभी दूध पी रहा है मम्मा का। चूज़े भी हमारे साथ खड़े हैं मगर बिल्ली कुछ नहीं कहती चूज़ों को। हा, कैसे कमर को खींच कर पी रहा है बच्चा, लगता मुझे नर है ये शक्ल। उसका घोंसला है ये, तो मुझे लगता है यहाँ पे उसके बच्चे निकले हुए हैं, तो मैं हाथ नहीं लगाता कैमरे की मदद से, थोड़ा अगर कुछ नज़र आते हैं बच्चे तो आप लोगों को दिखाता हूँ। मासूम से बिल्कुल मासूम लगते हैं। दो पड़े हैं, दो बच्चे कितने मासूम हैं। ओए होए 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 होए, शर्म करो शर्म, और जगह नहीं मिलती आप लोगों को, सिर्फ चार पाई मिलती है खेलने के लिए। उतरो, आप भी उतरो भाई, उतरो ठीक है, चल मैं आ रहा हूँ, चल उतर। ये मेरी मुर्गी बैठी है व्यूअर्स, पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था जंगली तितरियों के अंडे थे देसी मुर्गी के नीचे रखे हुए हैं, तो ये बस 30 दिन के अंदर ये फिर बच्चे निकलेंगे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अभी रानी जी बैठी है, भूख वगैरह लगे आ जाना बैर, ठीक है, सब कुछ पड़ा है बैर। ओए शहजादे, अपने घर के ऊपर बैठे हो, हवा लगवा रहे हो, नीचे गर्मी है इस वजह से। हमारे जो ये चूज़े थे 15-16 थे, मगर अब ये सिर्फ दो चार पाँच छः बच चुके हैं, बाकी सारे मर गए हैं। हमारे देहातों में अक्सर चूज़ों को जो बीमारी लगती है वो अक्सर मर जाते हैं, बस कोई किस्मत वाले बच जाते हैं तो बच जाते हैं, वरना अक्सर मर जाते हैं, पता नहीं क्या इशू है। सिर्फ हमारे पास नहीं, ऐसे जितने भी देहातों में हमारे एरिया में छोटे बच्चे होते हैं ना अक्सर मर जाते हैं, बस कोई किस्मत वाले बच जाते हैं तो बच जाते हैं वरना। I'm
ज़मीन की लेवल की जा रही है, जो कि अदनान भाई यहाँ पे 2 एकड़ के करीब रकबा है वो चावल काश्त करने वाले हैं। इस साइड पे जो है तिल काश्त किए गए हैं अदनान भाई के। तो ये हमारा टूल सिस्टम है, अभी जो ट्रैक्टर लगा हुआ है ज़मीन की लेवल कर रहा है। घर दिनाल है खंबा ना कढ़ाई शाम एक आधे कप के साथ ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं व्यूअर्स। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।